भाई क्या हो रहा है उस समय सिटी वाले तू ही आज बोल ले रिएक्शन दे दे मेरे में आज हिम्मत नहीं तुम अकेले मिलने जाओगे मुल्तानी को अच्छा दाल में कुछ काला है इधर आओ मैं बताऊं पूरी दाल ही काली है वाले है। कोई आते हैं तो इनके यार ही होते हैं सिटी सौ मसले मसाइल होते हैं दुनिया इसी का तो नाम है अब यहाँ पे हम लाइवें करते हैं या यूट्यूब पे हम मीटअप होते हैं यूट्यूबरों के तो वो एक दूसरे के यार होते हैं तुम लोग जो भी हो अकल और होश के ना लो आपके घर जैसा हमारा माहौल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह दिल पर शादी जुदाया है, बच्चे हैं उसके तीन और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं हमारा तो रोज ही हनीमून होता है मेरे मियाँ का और मेरा है <laughs> हम तो अभी भी हनीमूनिया वाली लाइफ गुजारे आपके वो बाजी ने जोड़ा बाजी एड्डा नाम टाइटल पे ले पब्लिक भी बोलेगी बोलेगी ना अरे पापा तो उसके ऊपर भी बहुत बुरा मनाया गया ए, भाई नाना आपने कुछ ज़्यादा नहीं लगा दी थी कम्युनिटी डीडी तो जब बच्चों का बीवी का ख्याल नहीं है उसने कहा हाँ मैं आप पे गया हूँ आपको भी हमारा ख्याल नहीं था आ, तो कुछ ज़्यादा ही बोल देता भाई बहुत जोड़ के कह रहा हूँ बस करो मेरी ट्रोलिंग छी ट्रोलिंग बहुत कर ली तो लोग भाई आपसे प्यार करते हैं जो आप लोगों के हैं ना जो आप लोगों के व्यूवर्स हैं वो आपसे प्यार करते हैं भाभी से आपसे अच्छा जी सोनिया से भी काफ़ी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि सिस्टर आई सोनिया पे तो बड़ा मान करता है ये बंदा फिर क्यों फिर क्यों नाराज हो गया अच्छा नाराज ये हो गया उन्होंने लाइव सुन ली जो उसकी कुत्ते वाली हो रही थी <laughs> लेकिन अगर कोई किसी के घर दो दिन चला जाए तो किसी का रिलेशन नहीं हो जाता मैजान की छोटी टोटीज, टोटीज, मोटीज पतलीज सबको बहुत ज्यादा प्यार तो जी जनाब कैसे हैं आप सब उम्मीद है मजे में होंगे खैरियत से होंगे फिटफाट होंगे और जी जनाब हजरत अली ने फरमाया लोगों से याद करने का शिकवा मत किया करो क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है बिल्कुल वफा हर बंदे के बस की बात नहीं है वफा हर बंदे के बस की बात नहीं है बिल्कुल जी और इसे आगे वाला जो है मैं भूल चुकी हूं <laughs> <laughs> रात में बड़ी सैड होके मैंने वीडियो ना बनाई बड़ी सैड बहुत ज्यादा सैड और मेरा रोने का दिल कर रहा था कि क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रही थी <coughs> तो कहते हैं तस्वीर का एक रुख देखते आप जो है अंदाजा ना लगा लिया करें दो, दो दोनों रुख देखा करें तस्वीर के सीधी पट्टी साइड देख लिया करो बदतमी इसका मतलब है हाय मैंने वीडियो तो बना डाली फिर मैंने कहा अच्छा नोशी से प्राइवेट कर दे डिलीट मार दे अच्छा कोई और बना ले इसको साइड पे कर दे कुछ ज़्यादा ही सैड सी हो गई है मैं ना अपनी गैलरी में से वीडियोस डिलीट कर रही थी और मैंने ना अपनी वीडियो ना थोड़ी सी सुनी यकीन मारे हंस हंस के मुझे खांसी शुरू हो गई इतनी हंसी मैं उस वाले पार्ट पे जो बहुत सैड बैठी हूँ और सिटी वाला सिटी रहा है सिटी वाले तू ही आज बोल ले रिएक्शन दे दे मेरे में आज हिम्मत नहीं है okay. <laughs> अपनी ही बातें सुन के हंसी जा रही पागल नहीं हो गई मैं अच्छा जी डेडी भाई डेडी भाई आप बड़े फेमस हुए पड़े हैं नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें लेकिन फेमस तो फेमस ही होता है भाई अच्छा जी <laughs> अरे भाई हम औरतें हैं किसी औरत का दुख सुन के ना जज्बात में आ जाते हैं ऊपर से आपकी अम्मी ने जब वीडियो बनाई ना तो उस टाइम हम कुछ ज़्यादा ही जज्बात में आ गए <laughs> आपकी अम्मी ने ना उस बंदी पे जो रिएक्शन दिया साथ में इतना बड़ा शाउटआउट जब दिया ना फिर हमें पता चला अच्छा आपकी कोई गिटू मिटू तो चल रही हो या आपकी अम्मा ने दास्तान सुनाई आपकी तो फिर जाके ना हमें जज्बात में आ गए और कुछ ना कुछ जो है दिल से हमें निकल सा गया आ, लेकिन जब हमने आपकी दास्ताने गम सुनी आये हाय हाय नोशी क्या कह दिया आप की जब हमने दास्तान गम सुनी तो फिर थोड़ा सा तसल्ला हुआ कि भाई आपको अपने बीबी बच्चे प्यारे हैं तो तस्वीर का एक रुख देखा जा रहा था दूसरा रुख नहीं देखा गया तो यहां पे जो है डीडी साहब की बात करेंगे और रिएक्शन दिया है डीडी साहब ने तो दिलीप साहब कह रहे हैं प्लीज किसी की बेटी पे बात मत करो इतना ट्रोल ना करो और वो लोग हमारी फैमिली की तरह हैं मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता मुझे माफ कर दो और मेरी क्यों लेनी की की हुई है वो ये कहना चाह रहे कहते तो कल मैंने रिएक्शन में बोल दिया ना सीन सिस्टर कह रही थी कि भाई आप हमारे घर भी होते जाते तो मैंने कहा भाई पांच बंदे मेरे साथ थे तो मैं जो है अच्छा मुनासब नहीं लगा ये आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी मुनासिब नहीं लगा कि पांच लोग हैं और अनजान से लोग हैं भाई मैं उनके घर ले जाऊँ उनका माहौल पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता बुरा मनाते हैं कुछ लोग तो उसके बारे में भी कमेंट आते रहे ओ अच्छा तुम अकेले मिलने जाओगे मुल्तानी को अच्छा ऊ नहीं दाल में कुछ काला है इधर आओ मैं बताऊं पूरी दाल ही काली है है चक्कर मेरा जाओ की करना है तुसी पुटना पुट लो ये भाई हेटर है हेटर इन्हीं को कहते हैं असल में इनके घर में कोई भी बंदा आता है ना इनका रिलेटिव या मिलने मिलाने वाले कोई आते हैं तो वो इनके यार ही होते हैं सी सी बात सुनू ठीक है ना ये इनको मैं सुना दूँ आज खरी खरी <coughs> इनके घर में भी कोई आता है ना मेहमान मिलने मिलाने वाले हेलो हाय वाले जहाँ पे आपकी हज़ारों सौ मसले मसाइल होते हैं दुनिया इसी का तो नाम है अब यहाँ पे हम लाइवें करते हैं ये यूट्यूब पे हम मीटअप होते हैं यूट्यूबरों के तो वो एक दूसरे के यार होते हैं सोचने की बात है ना अकल की बात है तो इनके घर शायद वही आते हैं तो इसलिए ये नेगेटिव ही लेते हैं हर बंदे को तो बहन तुम लोग जो भी हो अंकल और होश के नाखन लो आपके घर जैसा हमारा माहौल नहीं है अलहमदल् दिल पर शादी है बच्चे हैं उसके तीन और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं हमारा तो रोज़ ही हनीमून होता है मेरे मियाँ का और मेरा है <laughs> हम तो अभी भी हनीमूनिया वाली लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्ला नज़र पत्र से बजाए और अल्लाह ताला सबको खुश रखे तो भाई ये इनके घरों के माहौल ये बताती हैं ये जो गजनी गंदे गंदे को मिंट करती हैं बाकी हाँ भाई आपकी वालदा ने जब वीडियो बना डाली या आपकी वाइफ ने थोड़ी सी अच्छा फातिमा भाभी का मैं क्लियर कर दूँ फ़ातिमा भाभी ने लेस नहीं बोला अपने बंदे को वो तो सपोर्ट कर रही थी परसों वाले दिन उनको उन्होंने कहा कि मैसेज को इग्नोर किया अब मैं कह रही हूँ कि मैं टिकट कराऊँ मैं भी जाऊँ बच्चे पीछे से गर्मी है शदीद लाइट कई कई घंटे जा रही है तो और परेशान हो जाती है घबरासी जाती है कि यार गर्मी हो रही है दाने निकल रहे हैं ये तो मुझे चीज़ों का पहले ही पता था ऐसा होना है तो उन्होंने कहा कि मैसेज को इग्नोर किया अब वहाँ पर नेटवर्क का भी मसला हो सकता है चन्नड़ पीर गए हुए थे भाई वहाँ पे क्या होता है चन्नड़ पीर जो है रेतला इलाका है हम लोग बहुत जाते थे बचपन में बहुत ज़्यादा गए हैं हम लोग चन्नड़ पीर में ना अब तो खैर मैं ऐसा मैं बच्ची जब थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी जब हमारे बड़े जा रहे होते थे वही वो मन्नतें मानते थे सॉरी टू से मैं मन्नतों वाली नहीं हूँ मैं सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ और वहाँ पे मुझे अब दुख होता है ये याद करके भी अल्लाह ना मुझे भुला ही दे बस अल्लाह करे तो वो लोग मन्नतें दरबार अभी भी है अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे मतलब दूर पर जानने वाले ऐसे लोग हैं जब अभी भी ऐसे करते हैं तो ये मैं इन चीज़ों के भाई मैं तो खैर सख्त खिलाफ हूँ ऐसी चीज़ों पर बाकी हाँ जाते थे मेला शेला लगता था गुडियाँ लेने जाते थे झूले झूलने जाते थे हम लोग वहाँ पे वहाँ पर मुझे नहीं लगता नेटवर्क होगा हो बहुत वीराना है रेत वाला इलाका है रोही का इलाका है वो तो ऐसी बात है फिर और भी इनको जो था कि भाई चलो एक तो कैंसिल हो गया रिश्ता फिर जल्दी जल्दी से मैं और ढूँढ लूँ हड़बड़ी में फिर उन लोगों ने जो चैनल चला रहे हैं उनको भी होगी कि भाई जन रुक जाओ भाई जन रुक जाओ अच्छा जी ये हैं जिनके घर में था जिनके साथ मुझे जोड़ा जा रहा है उनके हस्बैंड और भाई के साथ मेरी जो है आ, दोस्ती है तो उनकी औरतों के साथ मुझे जोड़ रहे हो तुम लोग भाई हमने नहीं जोड़ा आपके वो बाजी पीना ने जोड़ा बाजी पीना ड़ 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 नाम टाइटल पे लिख के आ करके उन्होंने नाम लिखा तो फिर जाहिर सी बात है पब्लिक कहा चुप होगी पब्लिक भी बोलेगी ना अरे बाबा बोलेगी तो यहाँ पे वो कह रहे हैं बार बार इतने परेशान थे जाहिर सी बात है पब्लिक का प्रेशर घर वालों के मुँह सूजे सूझे हुए थे है टेंशन में तो ये बंदा अब कह रहा है ये देखे जी वो हमारी फैमिली की तरह है मेरे बहन बरफ़ भी बनी हुई है चैनल भी है उनका कुछ फिर हमने रिश्ता ये कैंसिल जो हुआ तकरीबन तो हमने और रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए इतने सारे रिश्ते देखे हैं तो ज़्यादातर छोटी उम्रों वाले दिखा रहे हैं सोलह साल अठारह साल बाईस साल इस तरह तो हमने छोटी लड़की तो नहीं देखनी ना कि जिसकी हज़ार ख्वाहिशें होती हैं उसे औलाद भी चाहिए होगी तो मेरा अब्बा जो है इस उम्र का है तो हम उस हिसाब से ही लेंगे अच्छा जी बाकी मेरे बच्चों की अगर तबीयत सही नहीं थी मैं दो दिन घर से ग़ायब था तो मेरे पास अल्लाह ने मुझे गाड़ी दिया फैसिलिटी दी है मैं गाड़ी लेके निकल गया अब मेरा घर खाली तो नहीं था मेरा भाई था मेरा अबू था सारे घर में थे शहबाज भी था उस फैमिली ने जो है हमारी बहुत हेल्प की है और मैंने उनकी कम्युनिटी लगाई तो उसके ऊपर भी बहुत बुरा मनाया गया कहते भाई ना आपने कुछ ज़्यादा नहीं लगा दी थी कम्युनिटी <laughs> कुछ ज़्यादा ही लगा दी इस तरह नहीं होता एक एक दफ़ा शाउट आउट दे दिया ना तो अट्रैक्शन रहती है फिर जब आप खुद उनके ब्लॉग में आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद उनके ब्लॉग वायरल होंगे ठीक <coughs> है जी तो जो है कहते बुरा बनाया और अम्मी जान मैं घर आ गया हूँ जैसे आपको ख्याल नहीं था ना आपने कहा ना कि तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं है डीडी तो जब बच्चों का बीवी का ख्याल नहीं है उसने कहा हाँ मैं आप पे गया हूँ आपको भी हमारा ख्याल नहीं था आ, तो कुछ ज्यादा ही बोल देता भाई <laughs> क्या यार कितनी डिस्टर्ब हो जाती है ना जिंदगी जब पहली शादी इंसान की नाकाम हो तो बहुत कुछ देखना पड़ता है बहुत कुछ बच्चों को बच्चों को भी सफर करना पड़ता है वन को भी करना पड़ता है <laughs> तो कहते हैं जब आपको हमारा ख्याल नहीं था तो यही समझो मुझे भी नहीं है हम भी आप पे गए हैं वो मेरी बहन है और आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया खुदा के लिए किसी की बहन बेटी पे मत इल्ज़ाम लगाओ उनकी बच्ची बच्ची तक को मैंने ब्लॉग में लिया तो आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हाई हाँ? हाँ? बताओ जरा जो ये मैं कह रही हूँ अच्छा जी <laughs> अच्छा जी खुदा के लिए किसी पे इल्जाम मत लगाओ मैं हाथ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बस करो मेरी ट्रोलिंग छी ट्रोलिंग बहुत कर ली तुम तो लोग भाई आपसे प्यार करते हैं जो आप लोगों के हैं ना जो आप लोगों के व्यूवर्स हैं वो आपसे प्यार करते हैं भाभी से आपसे तो आपकी जुदाई ना ज़रा बर्दाश्त सी नहीं हुई पब्लिक को इसलिए जो है उन्होंने ऐसे किया अच्छा जी सोनिया से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि सिस्टर आई सोनिया पे तो बड़ा मान करता है ये बंदा फिर क्यों फिर क्यों नाराज़ हो गया अच्छा नाराज़ ये हो गया उन्होंने लाइव सुन ली जो उसकी कुतवाली हो रही थी <laughs> अच्छा जी कहते हैं सिस्टर आपने भी मेरे पे मेरी सपोर्ट की है सितारा के साथ साथ लेकिन अगर कोई किसी के घर दो दिन चला जाए तो किसी का रिलेशन नहीं हो जाता ऐसा प्लीज़ मत करें <coughs> उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे <laughs> अच्छा यहाँ पे जो है डीडी ओए डिडी ओए डीडी लोग बैड कमेंट करेंगे ट्रोलिंग भी करेंगे ये कामयाब बंदे की निशानी होती है लेकिन हाँ जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना आपके व्यूवर्स आपकी व्लॉगिंग से आपके बच्चों से आपकी फैमिली से तो वो जो है ना आ, नहीं बर्दाश्त करते हैं ना कि आप कहीं इग्नोर कर रहे हैं हम कि सच्ची भाई जान तु अगर वाकई किसी नाल इश्क उश्क इश्क हो, हो जाए तो फिर पब्लिक तो गुस्सा करेगी क्योंकि भाभी जान जो बहुत अच्छे हैं भाभी जो है काम से काम रखती है लेकिन भाभी को इतना कहूँगी भाभी थोड़ी सी फैंसी भाभी बन जाए आप तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा ही आ जाए हैं चस आ जाए स्वाद आ जाए तो <laughs> भाभी को बता रही हूँ मैं तो भाभी आप थोड़ी सी फैंसी भाभी बन जाए तो सब अच्छा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे मैं बात करूँगी एक बंदी थी दीवानी सी एक संडी सी और इस तरह से थी कुछ ऐवी ही थी तो वो ना बड़ा कहा करती थी स्टोरी सुना रही हूँ आप लोगों को है वो कहती कहती थी, थी सितारा तेरी वजह से मेरी तलाक हो गई हो रही थी हो गई है सितारा तेरी वजह पे मेरे भाई पे केस हो गया सित उसको टटी भी फंस जाती थी ना तो कहती थी कि सितारा नहीं कुछ ऊँट पटांग हरकत की है तो फिर फंस गई है तो यहाँ पे मुझे याद आया कल मुझे कमेंट आया हुआ था मैं रात लाइव में बैठी थी फैसल के चैनल पे मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है यार उनका चैनल जहाँ पे मैं लाइव आती हूँ तो वहाँ पे मैं लाइव बैठी थी तो अचानक मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया मैंने कमेंट पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था सितारा की चाय पे बात करती हो कपड़ों पे बात करती हो खाने पे बात करती हो ये भी बताओ सुबह वो उठ के टटी भी करती है हमारी <laughs> जो पैनलिस्ट बैठी थी बहने उन्होंने कहा ये टट्टी वाली जो चीज़ है ना ये हमने हेटरों के लिए रखी हुई है वो बोला करे <laughs> भाई अजीब से कॉमेंट करते क्या यार क्या बकवास है तो बोल देते हैं ये लोग अच्छा तो वो बंदी ना अब स्टोरी जो है सुना रही कि देखें जी आ, ये तो सारा कुछ जो है मेरी दोस्त ने किया है।, है मेरी दोस्त ने मेरा घर उजाड़ दिया एक प्लॉट था छः करोड़ का उस प्लॉट पे जो है बीच में कोई डीलर आया तो हमने सेल करना था तो मैंने फाइल दे दी तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड को बीच में डाला हुआ था तो फिर मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगाया कि इसने बिकवा दिया अच्छा घुमा के हैरान हूँ एंड पे कहती है मेरा घर बर्बाद कर दिया मेरी दोस्त ने दोस्तें ऐसे होती हैं क्या जो आपका घर बर्बाद करती हैं जो आपसे चोरी बातें करती हैं जो आपके हस्बैंड को अपनी तरफ मतवह करती हैं अपनी तरफ करती हैं वो सॉरी नहीं कर रही थी मेरे हस्बैंड की जिद थी कि मेरी दोस्त जो है वो आ, मेरे हस्बैंड से एक दफ़ा ऊपर ऊपर से कह दे सॉरी माजरत भाई जान मेरी दोस्त ने मेरा घर बर्बाद करना चाहा क्योंकि हस्बैंड ने शर्त रखी थी कि तुम्हारी दोस्त सॉरी बोलेगी तो ही जो है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा मैंने तलाक दे दूंगा मेरा मेरा घर उजड़ने पे आ गया तो मेरी दोस्त ने माजरत नहीं की सॉरी नहीं की तो भाई ये होती हैं दोस्तें अब ये आप बताएं कि क्या ऐसे दोस्तें होती हैं बहन जी ये बात बताएं अब हमसे मेरे ख्याल से, से सीनियर ही है थोड़ी सी ज़्यादा शायद मे बी <coughs> यूट्यूब पे एंड पे कहती है ये कि किसी की स्टोरी थी और ये गजनी भूल गई कि ये बातें सारी इसने यहाँ पे सितारा पे इल्ज़ाम लगा के की हुई हैं अब ये अपनी दोस्त पे इल्ज़ाम लगा रही है कि दोस्त की वजह से डिवोर्स हो रही थी स्टोरी सेम वही सुनाई है जो पहले सुनाती थी अब चैनल चलाना है कंटेंट भी समझ नहीं आ रहा घुमा फिरा के एक ही स्टोरी को कई करैक्टर दे के नाल ट्रैक्टर भी थे रिक्शा भी तो मोटर बाइक भी दे के घुमा के वाइटी पे चलाए जा रहे हैं अब मैं ये हैरान हूँ बंदी ने कहा था कि मेरे भाई पे भाई भाई सर तेरे भाई ने फाड़ा सितारा ने केस कैसे करवा दिया या सज़ा कैसे करवा दी वो तो अदालत ने करनी है अब वो इतनी अगर इतनी उसकी चलती होती वो पहले सबसे पहले तुम्हें बंद करवाती सोचने की बात है ना तो इसका मतलब उसकी नहीं चलती ये कानून है केसेस चलते हैं जिसको जो सजा बनती है वो दी जाती है तो यहाँ पे जो है <coughs> हमें याद है आपके प्लॉट का आपकी दोस्त के प्लॉट का आपके प्लॉट का हमें याद है अच्छी तरीके से कि एक करोड़ों का प्लॉट आपने तारुफ करवाया था वो आप लोगों का ही था और आप लोगों ने सेल करना था और हिस्से होने थे हमें अच्छी तरह से याद है ठीक है ना आपने ये भी बोला था कभी आप कहती थी मुझे पता है ये सितारा ने मेरी गाड़ी चोरी करवाई है कभी आप कहती थी कि मेरी दोस्त को खरीद लिया मेरे हस्बैंड को खरीद लिया बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए तलाक सितारा की वजह से हुई बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए खुदा रहा थोड़ा सा सोच लिया करें कि हम बोल क्या रहे हैं अब आपने कहानी ही सारी स्टोरी ही सारी घुमा के अपनी मोटर पाइक रिवर्स करके फिर ऐड लेकर जा रहे मतलब व्लॉग चलाना है ना तो पूरी <laughs> स्टोरी सुना के एंड में कहा ये किसी ने कहा कि मेरी स्टोरी सुना दो तो यहां पे तो वही है <laughs> आपको याद हो ना याद हो हमें याद है ज़रा ज़रा कि आपकी दोस्त के साथ भी आपकी लड़ाई हुई थी आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स की धमकियां दी थी पता नहीं आपने कहा था दे दी भी है एक तलाक और आपने प्लॉट का भी खुद बोला था इस तरह से जो है ये चीज़ें अच्छा मैं सितारा का एक पुराना ब्लॉग देख रही थी मेरे पास कॉमेंट भी हैं यार कुछ लोगों के अहम मैंने कल वीडियो बनाई थी उस पर भी बात करते हैं लेकिन डियर हेटर्स दुआ दी हुई थी सितारा ने डियर हेटर्स को तो वो वीडियो मेरे सामने आ गई <coughs> तो वो जो है मैं देख रही तो उसमें वो दोबारा से मेमोरी याद आ गई कह रही कि अल्लाह करे तुम्हारे भी हस्बैंड की जो है शादियां हों झूठी ही सही तुम लोग झूठा कहते हो अल्लाह करे तुम्हारा भी हस्बैंड दो दो तीन तीन महीने तुम लोगों को मुंह ना लगाए भरी खड़ी थी बेचारी और इस तरह से ना उन्होंने उनकी वीडियो मेरे सामने ही तो मैं हैरान हो गई कि मुझे बातें याद आ गई कि यार क्या क्या करते होते थे हेटर्स उन्होंने कहा तुम जैसे हजारों आएंगे मैं सबको जवाब नहीं दूंगी लेकिन आज आओ सुन लो तुम लोगों जैसे हजारों हेटर आएंगे जाएंगे आज मेरा सुन लो जवाब अच्छा जी यहाँ पे जो है कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा हिंट दिया है अजीब सी कुछ बात की है नाना ने अपनी वीडियो में और कहा है कि मैं भी तो सितारा के साथ होती थी तो मैंने उसका क्या बिगाड़ा था ठीक है अच्छा जी यहाँ पे रोशनी कह रही है नौशीन जी जब वो लोग कश्मीर में थे तब शेब जवेरिया नैना को बहुत ट्रोल कर रहे थे उसकी प्राइवेट हाँ मुझे याद है ये जो चीज़ की फ़ोटो बनाई थी ना तो मैंने उसकी सपोर्ट में बोला था बड़े गज वज के गुस्से में आज भी वो मेरे पास वीडियो पड़ी है लेकिन मैंने वो बाद में प्राइवेट कर दी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने बहुत मतलब मैंने तो टाइटल ही ऐसा लगाया था किसके पिछवाड़े में आग लगिया वो जरा जवाब दो मतलब इतना बुरा लगा था ना कि उसकी नानी की और इसकी गंदे गंदे थंबनेल बना के ना कम्युनिटीयां लगाते होते थे छेड़ते थे और देखो कैसी छेड़ इनकी ऐसी छिड़ी कि आज सुनने में आया इस बंदे ने ना दूसरी शादी कर ली बकौल वैसे तो तीसरी दूसरे दूसरी शादी को तो कहता था मेरी कंटेंट है लेकिन आज देखें अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे ऐसे भी किसी की बदुआएं नहीं लेनी चाहिए तो वो रोती होती थी बंदी नाना जो है वह बड़ी रोती होती थी कि ऑन मेरे पे बोलते हैं मेरे पे बोलते हैं मेरी है, पिक्चर ऐसे लगाते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था यार अरे वो कह रही हैं कि वो उसको प्राइवेट पार्ट को लेकर और जो पिक वो लोग यूज़ कर रहे थे वो सितारा के वीडियो से ली थी वो शायद थोड़ी सी आ गई होगी उठते बैठते खड़ी थी ऐ करके ना वो बना रहे थे रील शील अब हर बंदे का डटी माइंड तो नहीं होता ना रील बना रहे थे तो उसका वो उन्होंने जूम करके फ़ोटो बीच में से निकाली थी और उसको एडिट किया था गंदे तरीके से अच्छा जी आ, तो सितारा की वीडियो से ली थी आपको याद होगा उस ट्रोलिंग की वजह से तब नाना बहुत बीमार हुई थी इस्लामाबाद में किसी एक खतून के घर में रह रही थी और उन लोगों पर केस करने का भी बोला था तब नाना ने कहीं कई कही बार इनडली सितारा को सुना रही थी कि आप वीडियो में कि उसके लिए कोई नहीं बोल रहा हाँ वो कह रही थी कि भाई मेरी सपोर्ट में सितारा नहीं बोलती मेरी सपोर्ट में सितारा बोले भाई सितारा पे तो ऑलरेडी बन रही है वीडियो वो क्या सपोर्ट करे उसके लिए तो हजारों वीडियो बनती है सैकड़ों वीडियो बनती हैं अच्छा <coughs> हाँ मुझे याद है <coughs> नहीं बोल रहा था और उस वक्त मुझे भी नाना के लिए बुरा लगा था और मैं सोच रही थी कि सितारा क्यों नहीं बोल रही नाना के लिए लेकिन जब सितारा का हाल देखा तब मुझे समझ में आया कि सितारा खुद बहुत परेशान है कश्मीर से लौटने के बाद कौसर उसके पेरेंट और साजिद भाई से लड़ाई ज़बरदस्त किस्म की हो गई थी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी वो वाली फिर बच्चे का आना और चले जाना उनके बाद इतनी ट्रोलिंग ना जाने उस बंदी ने कैसे बर्दाश्त किया नाना उस वक्त तलमा और तमन्ना से रब्ते में थी और कई बार ये जिक्र हुआ था कि जब सितारा पर बच्चे के मौत के इल्ज़ाम लग रहा था तब नाना ने भी उसके लिए वीडियो नहीं बनाई अब जाकर पता चला जब अनुषा ने बताया कि नाना ने उसके लिए सामने हेटर को फोन करके बताया कि सितारा ने बच्चे को मारा तेरे की रोशनी बड़ा रोशन रोशन बहुत तेज है तुम्हारा दिमाग उए, 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 उए। ओ हो माय गॉड इतनी छोटी बात को लेके इतना बड़ा हो सकता है ये ओ माय गॉड अच्छा ये कमेंट मुझे तीन से चार आए हैं तीन से चार आए हैं मुझे इसके किस्म अच्छा यूँ भी ओ माय गॉड ओ माय गॉड करके बताया कि सितारा ने बच्चों को वहाँ अच्छा कश्मीर से लौटते वक्त ही नाना ने सितारा से थोड़ा साइड कर लिया था उसी ट्रोलिंग की वजह से क्योंकि सितारा ने उसे उसके लिए वीडियो नहीं बनाई थी और पिक भी सितारा के वीडियो से ली गई थी और पहले कराची चली गई एक वक्त था जब मैं नाना को बहुत फॉलो करती थी इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था नाना ट्रोलिंग की वजह से सितारा से नाराज़ है और उसी इमोशनल पल का पूरा फायदा उठाए इंसाफ बीबी ने वो झूठ बोलती है कि चिल्ला चिल्ला के रोती थी जबकि वो फिक्र में थी कि कश्मीर से लौटते वक्त सारा की तबीयत बहुत खराब थी समीना भी सेम यही बात कर रही है सेम यही बात कर रही है समीना खान भी तो जी अब ये थी असल स्टोरी के <laughs> यार ये तो इनको सबको पता है क्योंकि इनको टैग करते थे हेटर जब वो बोलते होते थे और ढेर सारे थे एक आध भी नहीं दो तीन भी नहीं ढेर सारा झुंड था और इन सब को ट्रोल किया करते थे तो ये क्या बोलते थे उसके लिए नहीं बोलते थे अपने काम से काम रखते थे इसमें कन्फ्यूजिंग की क्या बात है जब आप ठीक है तो बस ठीक है लगे रहो मैं यही बात डी को भी कहूँगी आपको हेटर आ रहे हैं काफ़ी ट्रोल करने के लिए जो हमें बैड कमेंट करते हैं वो आपको भी कर रहे होते हैं बैड कमेंट इसमें बुरा बनाने की बात ही नहीं है आप आप दो चार लोगों को ना देखें आप हजारों लोगों को देखें जो आपको प्यार करते हैं और यही फॉलो करती है सितारा और सितारा को देख के मैं फॉलो करती हूँ तो खुश रहें आबाद रहें जीते रहें मुस्कुराते रहें Uh, एक बात कहूँगी रौसिन इन्होंने अपने पाव पे फिर खुद घाड़ी मारी है ये छोटी सी बात थी ये बहुत बड़ी बात नहीं थी सितारा को लेकर डेली बैड वीडियोज़ बनती थी डेली लोग बनाते थे तो इनको सीखना चाहिए था उन लोगों से शायद इसलिए ये लोग नाकाम हो गए और वो कामयाब इसीलिए है आ, देखें व्यूज़ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन वो हमेशा ट्रेंडिंग पे जरूर रहती है ये याद रखें तो इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी क्योंकि भाई व्यूज़ ऊपर नीचे हो रहे हैं ओ हो क्या हो गया कुछ भी नहीं होता तो लेकिन ये तो है कि सबर का फल बहुत मीठा होता है अब यही बात अगर बीनाबाजी के लिए देखी जाए तो उसने अपने बेटे को खुद नंगा किया खुद नंगा तड़ंगा किया लोगों के मुंह में मिठाई दी आओ oh, मजे ले ले के खाओ तुसी ए लो खाओ 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 मजे करो करो चित्रोल मेरे मुंडे दी ओह तो, <laughs> खुद दावत दी तो अकल से काम लेते होते हैं ना लोगों को तो कंटेंट मिल गया लोग तो बोलेंगे कंट्रोवर्सी नहीं है भाई तो ईजीलिए लोगों को मौका चाहिए वो तो बोलेंगे बोलते नहीं नो प्रॉब्लम तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़